हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे पोटैटो वेजेस, जो एक सिंपल और बहुत ही टेस्टी सा स्नैक्स है और ये बच्चे बड़े सबको पसंद आता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। इसे बनाने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है पोटैटो का सिलेक्शन। आप कोई भी आलू ले सकती हो, जो स्पेशली चिप्स बनाने के लिए चिप्सोना आलू आता है वो ले सकते हो, लाल आलू ले सकते हो और इवन नॉर्मल आलू भी ले सकते हो। आलू कैसा होना चाहिए, वो एकदम अच्छा सा कड़क होना चाहिए। हम लोग कई बार आलू लाते हैं और पड़े पड़े सॉफ्ट हो जाता है, वैसा नहीं, कड़क और अच्छा आलू होना चाहिए। तो सबसे पहले हम आलू को छील लेंगे। आप चाहे तो स्किन के साथ भी बना सकते हो और बिना स्किन का भी बना सकते हो, पर हम लोग इस बार इसे छील लेंगे। फ्रेंड्स, हमारा आलू छील के रेडी है। अब आती है बारी आलू को काटने की। इसे हम काट लेंगे वेजेस में। सबसे पहले हमें बीच में से काटना है इस तरह से, और फिर टोस्ट के बीच में से, और फिर बीच में से। इस शेप को कहते हैं वेजेस, इसलिए इस रेसिपी का नाम है पोटैटो वेजेस। क्योंकि आलू बहुत बड़ा है तो मैं बीच में से इसे तीन बार काट रही हूँ, नहीं तो आप दो इनफ होता है। तो हमारी वेजेस कट के रेडी है। इसे धोने के लिए आप वेजेस को ले लें एक बाउल में। इसे निकाल ले आप दूसरे बाउल में और फिर से इसे पानी डालकर अच्छे से वॉश कर। इसी तरह से आपको दो या तीन बार पानी से इसे अच्छे से वॉश कर देना है। इसे बॉईल करने के लिए एक बाउल में हम ले लेंगे ढेर सारा पानी। इसी के साथ इसमें डालेंगे नमक 1 टीस्पून जितना और इसे उबाल आने देंगे। जब पानी बॉईल होने लगे तब ये जो हमने पोटैटो वेजेस को काट के रखा था उसे डाल दे इस बॉइलिंग वाटर में। इसे हमें सेमी कुक करना है। ये हल्का सा वाइटिश है और बॉईल होने के बाद इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा और ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। इसे हमें 60-70% जितना कुक करना है। फ्रेंड्स, 2 मिनट हो गया है हमने पानी में उबालने रखा था। आप देख सकते हो कि इस आलू का कलर हल्का सा येलोइश हो गया है और इजीली आप फोक से इसे पिक कर पा रहे होंगे। अब हम इसमें से पानी निकाल देंगे और इसे कम्प्लीटली ठंडा करेंगे। फ्रेंड्स, वेजेस बनने के बाद आप थोड़ा सा पानी भी डाल दें जिससे इसकी कुकिंग प्रोसेस रुक जाए, क्योंकि हमें इसे 60-70% जितना ही कुक करना है, ओवर कुक नहीं करना। अब हम इसे ले लेंगे एक प्लेट में। या तो आप इसे रखिए आधे से पौने घंटे के लिए फ्रिज में, या फिर 10 से 15 मिनट के लिए फ्रीजर में। हम इसे रखेंगे फ्रीजर में 10 से 15 मिनट के लिए, जिससे पूरे ठंडे हो जाए। जब तक वेजेस ठंडे हो रहे हैं फ्रीजर में, तब तक हम बैटर बनाने की तैयारी कर लेते हैं। बैटर बनाने के लिए मैं लूँगी 1/2 कप मैदा,
हाफ कप कॉर्नफ्लावर, 2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून मिक्स हर्ब या फिर पिज़्ज़ा और पास्ता सीजनिंग, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर और 1/2 टीस्पून वाइट पेपर पाउडर। आप इसकी जगह काली मिर्च का पाउडर भी ले सकते हैं। ये वाइट पेपर पाउडर से टेस्ट बहुत अच्छा आता है और बहुत ज़्यादा बैटर का कलर भी चेंज नहीं होता। ये 1/2 टीस्पून है और 1 चम्मच कटा हुआ हरा धनिया। सबसे पहले आप इन सारी चीज़ों को ड्राई मिक्स कर लें, यानी कि सूखा ही मिला लें। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक सिमेट्रिक बैटर बनाएंगे। इस बैटर को बनाने के लिए मैंने 3/4 कप जितना पानी डाला है और आप कंसिस्टेंसी देखकर डालिए, थिक है लेकिन फ्री फ्लोइंग है। आप तरह का कुछ बैटर हमें चाहिए और इस स्टेज में आप नमक वगैरह भी टेस्ट कर ले, कम है तो फिर आप डाल लें। वेजेस को तलने के लिए मैंने तेल को गर्म होने के लिए रख दिया है और 15 मिनट हो गए। हमने वेजेस को फ्रीज़र में रखा था, अब हम उसे निकाल लेंगे। वेजेस को मैंने फ्रीज़र में रख दिया था ठंडा होने के लिए। ये बिल्कुल ठंडा हो गया है, अब हम इसे बैटर में डीप करके फिर तल लेंगे। तेल गर्म हो चुका है, अब हम वेजेस को डिप करेंगे बैटर में इस तरह से और इसे ऑयल में डाल देंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर आपको तलना है 5 से 6 मिनट तक, जिससे ये ऊपर से एकदम क्रिस्पी हो जाए। पाँच मिनट हो गए हैं फ्रेंड्स, हमने वेजेस को कुक करने के लिए रखा था, ये एकदम क्रिस्पी हो गए हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे। दूसरा बैच डालने से पहले आप गैस को स्लो कर दें थोड़ी देर के लिए और अब हम दूसरा बैच को भी कुक कर लेंगे। सेकेंड बैच भी हमारा रेडी है, इसे हम निकाल देंगे। पोटैटो वेजेस बनके तैयार है, अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे। होपफुली फ्रेंड्स आज का ये वीडियो और रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल प्योर रेसिपी को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते अगले वीडियो में एक और नई इंटरेस्टिंग रेसिपी लिए। टिल देन हैप्पी कुकिंग।